जितने भी स्टूडेंट साइंस से एग्जाम दे रहे थे उन सभी स्टूडेंट का आज अंतिम सब्जेक्ट हिंदी है, और उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी आपके लिए स्कोरिंग विषय है, और इसमें अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एग्जाम में बेहतरीन अंक आप लोग को दिलाया जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट को, और इसमें हर स्टूडेंट का आप लोग को 90+ नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और वीडियो को एक बार लाइक, और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों को रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग इसका होगा कवित्री। ऑप्शन सी अगर आप लोगों को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वह कौन है जो पढ़ा हुआ रो रहा है सर्वनाम का उदाहरण, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग को आंसर बताने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो कम से कम लंबा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पूछा गया इस क्वेश्चन में आप लोग को प्रश्नवाचक सर्वनाम की बोध हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नीरज शब्द का उपसर्ग है, नीरज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को होगा नी, नीस में आप लोग को उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय लगा है, जो बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बाला प्रत्यय आप लोग को लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नवयुवक में यहां पर आप लोग को अभिभाव समास यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर नव प्लस युवक जिसका आप लोग को प्रथम पद छोटा होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए भूख नहीं मिटी, इस बाग का उदाहरण है, कौन सा बाग का उदाहरण है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस बाग में आप लोग देख सकते हैं जो बाग बनाया गया है संयुक्त रूप से जोड़कर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त बाग। और सेवन नंबर क्वेश्चन में बोला गया घर घर शब्द की पर्यायवाची क्या होगा, घर शब्द की पर्यायवाची निकेतन होगा, ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आठ नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आदान शब्द का विलोम क्या होगा, आदान शब्द का विलोम क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आदान का प्रदान होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन बोला गया गलत टूटना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, गला टूटना का मुहावरा का अर्थ होता परेशान करना, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसी को गला टूटना यानी परेशान करना। अब 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए कौन सा शब्द है, जो पूछा गया है, तो मरण शब्द के लिए एक शब्द है आजीवन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सिपाही की माँ एकांकी कथा प्रस्तुत है, किनके द्वारा कथा प्रस्तुत किया गया है, कैसे वर्ग के लिए किया गया है, एकांकी की माँ, सिपाही की माँ, तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न वर्ग के लिए किया गया था, तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शेर शाह का शस्त्र का निर्माण नामक आख्यानक काव्य किनके तो किसके द्वारा लिया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग 12 और 13 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद आप लोग को लास्ट में मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नामवर सिंह कहाँ इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हुआ था आप लोग को जबलपुर में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका 14 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नाभादास किस धारणा के संत थे, नाभादास जो थे किस धारणा के संत थे, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो बौद्ध धर्म के दासक थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नाभादास किसका शिष्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभादास जो शिष्य थे जो पूछा गया तो अग्रदास के थे, तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता से पंक्ति लिया गया है, ये पंक्ति जो लिया गया किस कविता से लिया गया, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर तमूल कोलोहल कलहल में से लिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सुभाद्र कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ कब हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि
घास में दुबका आकाश की रचना किनके द्वारा किया गया है, किनके द्वारा ये लिखा गया, राइटर कौन थे इनका, तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद से पदा स्थापित किए गए थे, ज्ञानेंद्र पति का किस पद से स्थापित किया गया था जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो किया गया था आप लोग को कारा अधीक्षक से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रातः काल शब्द में संधि विच्छेद करें, प्रातः काल का आप लोग को संधि विच्छेद पूछा गया है, प्रातः प्लस आप लोग को काल, ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अदरक शब्द में कौन सा आप लोग को लिंग है जो पूछा गया है, तो अदरक में आप लोग को हो जाएगा यहां पर उभयलिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में, 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया नील गाय शब्द में कौन सा समास है, तो नील गाय यानी गाय कैसी है, तो नीला है, तो यहाँ पर किसी गाय के बारे में विशेषता बताया गया है तो क्रमधारय समास है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया घर का शब्द का पर्यायवाची होगा, घर का शब्द का पर्यायवाची गे होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कौरव शब्द का प्रत्यय है, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय जो पूछा गया है, तो कौ प्लस रव है, प्रत्यय आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा रव, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग उपकार में कौन सा शब्द आपको उपसर्ग है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उपसर्ग आप उपकार में आप लोग को यहाँ पर उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया धर्म शब्द है, धर्म शब्द कैसा है, कौन सा शब्द है, तो धर्म आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर क्वेश्चन में जो आप लोग को क्वेश्चन में आंसर टिक किया गया है उस आंसर पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग को यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट से संबंधित हर छोटी बड़ी न्यूज इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो विराम का शाब्दिक आप लोग को हो जाएगा ठहराव, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद आप लोग को सु प्लस सुक्ति होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षई और दीर्घाई ऊ मिलकर ऊ का निर्माण करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में सर्वनामिक विशेषण आप लोग को पूछा गया है, तो सर्वनामिक विशेषण आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा 20, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर, अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है, 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मायावाद धुआं धुआं जमा रहता है भाव बनकर निकल पड़ता है कैसे, तो ये निकल पड़ता है आप लोग को बातचीत से, मन में आप लोग को एक दूसरे से बातचीत करता है तो जो भी मन में बातें रहते हैं वो आप लोग आसानी से निकलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया बिना फेरे का घोड़ा बिगाड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किससे लिया गया है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप लोग को करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दल विहीन लोकतंत्र में किसका मूल उद्देश्य में है, दल विहीन लोकतंत्र में किसका मूल उद्देश्य है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मार्क्सवाद या लेनिनवाद का था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नारी और नर्स एक ही द्रव की ढली हुई प्रतिमा है, तो यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा अर्धनारी ईश्वर से लिया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रोज शीर्षक की कहानी किससे पूछा है, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, ये किनके द्वारा कहा गया था, तो उनके पिता के द्वारा बोला गया था ये पंक्ति, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक लेख और एक पत्र लेख कौन है, एक लेख और एक पत्र लेख कौन है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर भगत सिंह है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन की, और 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को बोला गया वसुधा योगी मानव और धार मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किस काव्य से आप लोग को लिया गया है और कहाँ से लिखा गया है, तो ये लिया गया है आप लोग को जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग को मैं क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पढ़कर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर सही से आप लोग को मिला लीजिएगा। गांधी जी को झोपड़ी को किसने जलाया था, गांधी जी का जो झोपड़ी था किनके द्वारा जलाया गया था, तो एमन साहब के कर्मचारी के द्वारा उनका झोपड़ी को जला दिया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सायरा एमन ताल का जल कैसा था,
तो सैरमन का जल जो था वो कैसा था जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका कमेंट करके आप लोग राय बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। लास्ट में इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं करा दूंगा। 40 नंबर में बोला गया सिपाही एकांकी के यहाँ पर आप लोग को एकांकी विश्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी, तो क्या करती दिखाई देती, तो सूती को काटती हुई दिखाई देती थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपको टिक करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर में बोला गया सत्संग किनकी अभिरुचि थी, तो सत्संग जो था अभिरुचि वो सूरदास के द्वारा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया मलिक मोहम्मद का आप लोग को जयसी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1500 आप लोग को 48 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ, जायसी का जन्म स्थान आप लोग को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जायसी का जन्म स्थान आप लोग को जायस कब्र अमेठी में, जो आप लोग को उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया साहित्य लहरी का रचनाकार किनके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया आप लोग को सूरदास के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में बोला गया कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या का अध्ययन किए थे, उनका विद्या की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो काशी में वह 10 साल रहे थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है, आप लोग को संज्ञा से पूछा गया है, तो संसार की यहाँ पर बात किया गया है भाववाचक होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विवाह शब्द है, विवाह शब्द कैसा शब्द है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में बोला गया कि वह कुल्हाड़ी से ब्रिज को काटता है, कुल्हाड़ी से आप लोग को बोला गया है करंट से, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती किए हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए अपादान लगा कर आए हैं, तो यहाँ पर अपादान नहीं होगा, करंट से होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात का आप लोगों को शब्द का विलोम पूछा गया है, इजी क्वेश्चन था, दिन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बी शिवालय का शब्द में कौन सा समास है, तो शिवालय में आप लोग को यहाँ पर समास पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो शिव प्लस आलय तत्पुरुष समास आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव शब्द में आप लोग को कौन सा स्त्रीलिंग है या पुलिंग है उभयलिंग है जो पूछा गया, कॉमन नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग को करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुलिंग। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तीर्थयात्रा में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तीर्थयात्रा में आप लोग को समास जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को तीर्थयात्रा का जो समास होगा बहुविग्रही समास, क्योंकि तीर्थ और यात्रा दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हादसा यश पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हादसा यश पद में आप लोग को प्रत्यय जो लगा हुआ है हादसा पद यहाँ पर होगा, तो हादसा प्लस आस्पद होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, प्रबंधक कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा सर्वनाम प्रबंधक। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोला गया समाज शब्द का विलोम क्या होगा, तो समाज शब्द का विशेषण आप लोग को पूछा गया, सॉरी विशेषण पूछा गया है, तो सामाजिक होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है, मनोविनोद शब्द में आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग। ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलनी थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहां पर मुझे भी छात्रवृत्ति मिलना था, निजवाचक सर्वनाम आप लोग हो जाए, किसी निजी व्यक्ति को बोला जाए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम शब्द का विशेषण आप लोग को हो जाएगा प्रेमी, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध भाग को यहां पर चुनना था, ऑप्शन डी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, यह बात कहने से किसी को संकोच नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विमान शब्द को आप लोग को प्रकृति पूछी गई है, तो विमान शब्द आप लोग को विदेशक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खून पसीना एक करना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कठिन मेहनत आप लोग को परिश्रम करना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यथेष्ट शब्द में कौन सा संधि है, तो यथा प्लस इष्ट है, यथा इष्ट हुआ, आ और ई मिलकर ए का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गुल्लर का फूल होना का मुहावरा का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुल्लर का फूल होना यानी बहुत चमकदार होना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जाता रहता है पदबंध है, कौन सा जाता रहता में, तो क्रिया पदबंध है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोला गया दीपावली शब्द का संज्ञा है, तो दीपावली में कौन सा शब्द का संज्ञा आप लोग को है, तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना शब्द में कौन सा आप लोग को है, सोना कौन सा शब्द है, तो सोना चमकीला होता है, यहाँ पर आप लोग को ये हो जाएगा पुलिंग शब्द, तो ऑप्शन
भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रोटी मत खाओ क्योंकि जली हुई है, या कौन सा सर्वनाम है आप लोग को पूछा गया है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि, यहाँ पर आप लोग को सर्वनाम हो जाएगा, आप लोग को प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जातीय, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, नेक शब्द को एक शब्द, तो कार्यकर्ता आप लोग को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत शब्द कहा है, तो सत शब्द आप लोग को देशज या तत्स्वम है, तो सत आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा देशज शब्द है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बोला गया, पंजाब की भाषण लिपि की समस्या लेखक की रचना इनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, 71 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहां पर आप लोग को हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की मृत्यु की सुंदर क्यों है, भगत सिंह की मृत्यु कैसे सुंदर है, तो उनका देश के लिए बदले, देश की सेवा के बदले में दिए गए थे उनका फांसी, इसलिए यहाँ पर कोपरल है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली महोत्सव में का बीजारोपण किसे कहा गया है, तो वैशाली का आप लोगों को बीजारोपण आप लोग को जो कहा गया 63 नंबर क्वेश्चन में, जगदीशपुर माथुर के क्या गया, जो वैशाली का रहने वाले थे बिहार के, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन बोला गया, ओ शादी नीरा निबंध की पुस्तक लिया गया है, किससे लिया गया, जो पूछा गया है बोलते हुए छंद से लिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा आप लोग को कहाँ, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यह था आप लोग को भित्ती रहवा के पास है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 76 नंबर क्वेश्चन बोला गया, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, तो चंचल है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी को महुआ के पेड़ किसने जगह दिया था, तो मुखिया के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि सिपाही की माँ एकांकी पुस्तक ली गई है किससे, तो यहाँ पर आप लोग को 78 का बिल्कुल यहाँ पर अंडे के छिलके तथा एकांकी से, तो आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुतडी कौन थी, तो यहाँ पर आप लोग को था, वह था आप लोग को बिश्नी की बेटी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि परगीत समाज और निबंध के निबंध संग्रह लिया गया है किससे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आलोचक के मुख से लिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, चरम वैदिकता के परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, ये लिया गया आप लोग को शिक्षा से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस लेन देन में नाम ही संसार है, यह पंक्ति किससे लिया गया, जो पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर आप लोग कॉमेंट करिएगा, और इसका आंसर भी आप लोग को मैं पिनअप कर दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या होगा, बुक से देखना पड़ेगा आप लोग को करेक्ट आंसर को। 83 नंबर क्वेश्चन बोला है, चित्र रेखा किस कवि का रचना है, तो यह है गजानन माधव मुक्ति बोध से है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो। जो भी क्वेश्चन मैं नहीं बताया, अगर उसका आंसर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रात भत्ती खनी खनी बन छारा हित भाई, यह पंक्ति शीर्षक किससे लिया गया, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूरदास के पद से लिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है, कवि ताल वाली किसकी द्वारा लिखी गई है, कविता वाली किसके द्वारा लिखा गया, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लिखा गया आप लोग को तुलसीदास के द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास अपने युग में कितने साहित्य भाषाओं को अपनाए थे, तो ये आप लोग को कितने संस्कृत और हिंदी भाषाओं को आप लोग को अपनाया गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 87 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाभादास की संभक्ति मर्यादा स्थान कहाँ है, तो यह है आप लोग को मार्धु भाव पुट था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन की ओर से, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि छात्र साल दशक कितने छंदो महाराज छाल साल के वीरता को योगदान किया गया था, जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर करेक्ट 88 का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो 152 छंदों में किया गया था, तो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकाल उपन्यास की कवि का रचना कौन थे, तो कंकाल का आप लोग को जो कवि का रचना था वो था आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल इसका जयशंकर प्रसाद थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यह एहसास विश्व बैठी ही रही गाय छौना मेरा, यह पंक्ति किससे लिया गया है, तो ये आप लोग को लिया गया था पुत्र वियोग से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने पास शीर्षक संकलन किसके कवि के द्वारा लिखा गया है, जो पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा समेर सिर बहादुर सिंह के द्वारा लिया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का जनगान माधव मुक्ति बोध उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था,
जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा प्रतियोगितावाद। प्रतियोगितावाद आप लोगों को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों को रघुवीर रहस का जन्म आप लोगों को कब हुआ था, जो सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1927 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कहीं नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा लिया गया था, ये लिया गया था जयप्रकाश के द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे थे, जो पूछा गया था, इसका भी आंसर अगर आप लोग को मालूम है तो कॉमेंट करिएगा जरूर। 96 नंबर क्वेश्चन बोला दया का उच्चारण स्थान दंत से होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से आप लोग को शुद्ध कौन सा वाक है, तो प्रशंसा आप लोग को दिया गया जो बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन बोला गया निर्धारण शब्द में कौन सा सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग को निरा प्लस धारण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 100 में गुस्सा शब्द कौन सा है, तो पुलिंग शब्द है, तो इसमें आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में 100 आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए। अगर आप साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपका लास्ट दिन है, आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस चैनल पर 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा, कब से आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, और कैसे एडमिशन आप लोग को लेना है, उसका भी प्रोसेस इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को एक बार प्रेस जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग आंसर शीट को आप लोग को मिलाना चाहते हैं, जो भी सेट आपको एग्जाम में आएगा उस सेट का आंसर शीट आप लोग को किस तरीका से मिलाना है, उसका भी प्रोसेस आप लोग को बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए साथ ही साथ आप लोग मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल में आप लोग को टाइप कर देना है बिहार जानकारी, उसके बाद सर्च पर क्लिक करिएगा तो बिहार जानकारी का ही आप लोग को वेबसाइट ओपन होकर आएगा। इस वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार जानकारी का ऑफिशियल पेज ओपन होकर आएगा। आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, और आप लोग आइएगा तो आंसर की का सेशन में आप लोग को आ जाएगा। आंसर की का सेशन में हर सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग देखना चाह रहे हैं, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, जो भी सारा को जो कि आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा, तो जिस सब्जेक्ट का आप लोग को चेक करना है उस सब्जेक्ट पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर आप लोग आसानी से चेक कर पाइएगा। उस पर क्लिक करिएगा तो पोस्ट ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर सारा सेट का आंसर शीट आप लोग को इस रूप में देखने को मिलेगा। सभी सेट का आंसर शीट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस तरीका से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करिए।